हरे कृष्णा, सभी को कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है चूड़ा पोहा, और उसकी मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या तैयारियां हमने करके रखी हैं। तो सबसे पहले है तड़का के लिए सरसों और जीरा, घी, करी पत्ता, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया पत्ता, पत्ता गोभी, नींबू, मटर, मूंगफली और सॉस, टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर। आइए अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दिया है और उसमें तेल गरम कर लिया है। अब उसमें मूंगफली डालकर तल लूँगी। चूड़ा को भी मैंने वॉश करके रख लिया है चलनी में, क्योंकि उसका सारा पानी निकल जाए। मूंगफली फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल लूँगी। मूंगफली निकालने के बाद अब इसमें मैं सरसों और जीरा का तड़का डाल दूंगी। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज, सबको हम हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसमें। गाजर डालेंगे इसमें, नमक डाल देंगे, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, रंगदार को अच्छी तरह ही मिला लेंगे। और इसमें हम मटर डाल देंगे। पोहा में अदरक कूट कर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप हमेशा कूट कर ही डालें, उसको ग्रेट करके या पीस करना है। इसमें थोड़ी सी करीब आधा चम्मच छोटी वाली से हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से।
सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें हम विनेगर डाल देंगे। चिल्ली सॉस डाल देंगे, टोमेटो सॉस, से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा धोया हुआ चूड़ा या पोहा, तो अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर मिलाने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। करीब 2 मिनट ढकने के बाद इसे हम फिर हटा लेंगे, चला लेंगे। मेरा पोहा एकदम तैयार है। अब हम इसमें घी डाल देंगे ऊपर से, नींबू का रस डाल देंगे चारों तरफ से, और नींबू का रस डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। घी और नींबू डालने से पोहा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब मेरा पोहा बिल्कुल तैयार है, मैं इसे सर्व करती हूँ। देखिए कितना एकदम फ्रेश खिला खिला पोहा बना है मेरा। अब मैं ऊपर से मूंगफली, सेव, नमकीन और धनिया पत्ता से गार्निश कर दूंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।